Dear student, good morning. I am Khan sir from Maths Guru. I am going to teach you class 10th acid base and salt chapter of chemistry. आप देखिए ये केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट, ये बहुत ही सारे चैप्टर्स आपके आपके क्लास के इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट में वो कुछ खास है। और इसमें जो बहुत सारे केमिस्ट्री के जो केमिस्ट इसके अंदर जो बहुत सारी जो इक्वेशंस हैं उसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एसिड बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ। एसिड बेस और सॉल्ट है क्या? आपको पता है कि अभी तक 115 एलिमेंट की खोज हुई है। 115 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर एट नो विद द हेल्प ऑफ 115 एलिमेंट्स मोर देन हजारों थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एट नो। दीज कंपाउंड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कंपाउंड्स दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। क्लियर है? आपको समझ में आ रही होगी मुझे आशा है। एसिड की पहचान है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेस के अंदर OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है और सॉल्ट जो है ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और आप देखिए एसिड की पहचान इस हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेस में OH हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और बनता कैसे है अब देखेंगे। दो तरह के दे आर टू टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस मैं वन बाय वन करके मैं आपको क्लियर करता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीज थ्री एसिड्स आर मैन मेड एसिड, दे आर दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स आर इथेनोइक एसिड, सल्फ्यूरस कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड्स एंड ऑल नेचुरल एसिड्स, नेचुरल अकरिंग एसिड्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स आर वीक एसिड। और वीक एसिड को हम वो हमारे फूड का ग्रेडियंट होता है, उसको हम खाते हैं, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे एसिड को पहचानेंगे क्या एसिड है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऑल एसिड्स कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसॉल्व इन वाटर एंड विल प्रोड्यूस 100% हाइड्रोजन आयन। व्हाट हैपेंड व्हेन जब एसिड को जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और आयोनाइज्ड हो जाएगा और 100% हाइड्रोजन आयन विल गिवन आउट, 100% हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है। वीक एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा और 50% पार्शियली डिसॉल्व होगा, ये 50% रिएक्ट विद वाटर एंड ये कितना देगा, ये 50% हाइड्रोजन आयन निकालता है। हाइड्रोजन आयन को हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से बेस जो है ये देखेंगे, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेस, पानी में डिसॉल्व होगा। व्हेन वाटर व्हेन बेसेस आर डिसॉल्व इन वाटर विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। अब बेस की पहचान मैंने बताया, ये हाइड्रोक्साइड आयन देखते हैं। जहां पर मेटल के राइट साइड में अगर OH लगा होगा तो वो समझेंगे बेस होगा और बेस को पहचानेंगे। तो बेस को जब हम पानी में स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये मुझे 100% हाइड्रोक्साइड आयन देगा। वीक बेस 50% OH आयन देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है। When a strong base dissolve in water will produce 100% hydroxide ion, weak base dissolve in water and dissociate and ionize and only 50% or partially hydroxide ion will be given out. So some important salts and their formula में बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को यह पता है कि कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl, नमक कितने तरह के होते हैं।
नमक बहुत तरह के होते हैं, हजारों तरह के होते हैं। आप देखेंगे अगर मेटल के साथ अगर क्लोरीन लगा होगा तो उसे कहते हैं मेटल, क्या कहेंगे, मेटल प्लस क्लोरीन, डेट इज अ कॉमन सॉल्ट, मेटल क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्ट, मेटल प्लस सल्फेट, डेट विल बी द सल्फेट सॉल्ट, मेटल प्लस नाइट्रेट, डेट विल बी द नाइट्रेट सॉल्ट, मेटल प्लस कार्बोनेट, डेट विल बी द कार्बोनेट सॉल्ट एंड डेट इज द एसीटेट सॉल्ट। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में मैंने आपको डिफरेंस बताया, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेटल के साथ अगर OH लगा हो तो बेस होगा, और हाइड्रोजन एसिड की पहचान है उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। हाइड्रोजन और OH जब मिलेगा तो वाटर बन जाता है, इसलिए एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो एसिड और बेस से रिलेटेड है, और इसमें देखेंगे फॉर्मूला नंबर वन, मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल Zn is a metal, zinc is a metal, H2SO4 is acid, reacts and form zinc sulfate and hydrogen. आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर है आपका different types of chemical reactions. तो यह एक तरह का क्या single displacement reaction है, because zinc is more reactive than hydrogen. Zinc displaces the hydrogen and forms zinc sulfate, and hydrogen is displaced by zinc. Because zinc जो है आप reactivity series में देखेंगे, लखमीर सिंह की book में 119 पेज पे देखेंगे आप, 119 पेज पे, लखमीर सिंह की 119 पेज पे देखेंगे तो आपको reactivity series देखेगा, उसमें देखेंगे zinc का position क्या है, hydrogen से ऊपर है, इसलिए zinc is more reactive than hydrogen. Second formula है student, dear student देखें आप, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, दैट इज अ मेटल कार्बोनेट, बिकॉज सोडियम इज मेटल, CO3 इज अ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मीन्स मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड HCl एंड टू सॉल्ट 2NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। सेकेंड थर्ड फॉर्मूला इज मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड्स फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखेंगे एग्जांपल क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन सोडियम इज अ मेटल, हाइड्रोजन है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा है, जो एंटासिड में आपको का यूज होता है, जो 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 इंजेक्शन में हेल्प करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट्स, दैट इज द एसिड फॉर्म करेगा आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज अ सॉल्ट बन गया। तो फॉर्मूला है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया। एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है सॉल्ट और वाटर बनता है। अब देखेंगे बेस के पहले, बेस की पहचान बताया OH होता है मेटल के पहले, मेटल के पहले अगर OH होगा तो डेट विल बी द बेस। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, सोडियम इज अ मेटल, OH इज हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसे अल्कली मेटल भी कहते हैं, प्लस अल्कली प्लस HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इसी तरह से रिएक्शंस हैं, आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को समझना होगा, और फिर उसे आपको एसिड और बेस से जो रिएक्टेड जो आपको कंपाउंड्स होंगे उसके रिएक्शंस को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। रिएक्टेंट में अगर एसिड और बेस होगा तो सबसे पहले आपको एसिड और बेस की पहचान करनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एसिड की पहचान हाइड्रोजन आयन होता है, बेस OH होती है, OH आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो में आपको भेजता रहूं, और आप इससे लाभान्वित होते रहें, और इसके नेक्स्ट वीडियो भी आएगा तो उसको भी देखेंगे। चलिए ओके, धन्यवाद।